रही है क्राइम स्टोरी। उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में पुलिस ने 4 वर्ष से हत्या के मामले में वांछित चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश शमशाद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बदमाश शमशाद ने 4 वर्ष पहले रंजिश के चलते अपने गांव में एक युवक की हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी के पास से एक तमंचा और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए हैं। यह शातिर अपराधी 4 वर्षों से लगातार पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार चल रहा था। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के शामली से संवाददाता फुरकान जंग की रिपोर्ट। शमशाद सनोप अलमुद्दीन सुबरी का रहने वाला है। 4 साल से जो हत्या के मामले में वांछित था, इसकी खुद की कार्रवाई होली थी। मफरूरी ने इसके चार्जशीट लगी थी, इसमें 25,000 का इनाम था। आज सुबह कहीं जाने की फिराक में K2 बस स्टैंड पर खड़ा था। मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया है, जेल भेजा जा रहा है। हत्या के मामले में, गांव में ही हत्या के मामले, 2014 में जो हत्या के मामले में एक तमंचा बरामद हुआ, 315 बोर का, 2 कारतूस जिंदा। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।